दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे से परिचित कराने वाला हूं जो कि खून बनाने वाली मशीन के नाम से जाना जाता है। इसे लोग खून बनाने वाली मशीन भी समझते हैं, जो उपयोग करते हैं वे इसको खून बनाने की मशीन समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं इसका लगातार सेवन करने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें लोहा, आयरन, कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो दोस्तों आप भी इसे देख करके अच्छे से पहचान लीजिए। इसके पत्ते में थोड़े से दाग दिखाई देता है, लेकिन वह दाग नहीं है, इसके पत्ते की पहचान है। आप इसके पत्ते को देख करके पहचान लीजिए। और इसके फल जो इस तरह से दिखाई देते हैं, छोटे छोटे चने के कुछ छोटे आकार के रहते हैं, और इसको मसल कर दबाने से इससे लाल लाल खून की तरह निकलने लगता है, जो कि हाथ में लगने पर खून की तरह ही दिखाई देता है, जिसे आप अभी आसानी से देख पा रहे हो। यह खून बढ़ाने वाली मशीन ही है, क्योंकि इसका लगातार सेवन करने से खून की बढ़ोतरी होती है, में खून की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर से कमजोरी खत्म हो जाती है। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है, आंखों में, चेहरे में चमक आ जाती है, आपका चेहरा तरोताज़ा खिलने लगता है। तो दोस्तों इस पोई का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इसके पत्तों को तोड़ करके इसको साग बना करके खाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी भी प्रकार की कमजोरी को धीरे धीरे नष्ट कर पाएंगे इसके लगातार सेवन करने से। दोस्तों अगर आप इसके पत्तों का रस निकाल करके दो चार बूंद नाक में डालते हैं, तो आप इससे नक्सीर और सर दर्द को भी ख़त्म कर सकते हैं। यह नक्सीर और सर दर्द खत्म करने का भी रामबाण औषधि है। अगर किसी को बवासीर है, तो बवासीर के प्रॉब्लम में इसके पत्तों का रस निकाल करके आधा गिलास पत्ते का रस सुबह शाम खाली पेट लीजिए। आपका दो से चार दिनों में बवासीर की जो तकलीफ होती है वह भी शांत हो जाएगी। आपका शौच खुलकर आएगा और आप कब्ज की परेशानी से भी दूर रहेंगे। आपका पेट हमेशा स्वस्थ सुदृढ़ रहेगा इस पोई के सेवन से। तो दोस्तों यह स्वास्थ्यवर्धक के लिए पोई बहुत ही लाभकारी है। आयुर्वेदिक औषधियों में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। तो आप इस पोई को अपने गांव देहात में कहीं भी लगाए हो तो इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिए। नहीं लगाए हो तो लगाकर स्टार्ट कर दीजिए खाने को। आपका सेहत दिन ब दिन बदलता जाएगा, आपका सेहत सुधरता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पोई के बहुत सारे फायदे ले सकते हो। अगर किसी को मधुमेह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की शिकार है कोई लोग, वे लोग भी इसका साग बना करके डेली यूज़ कर सकते हैं। इसका सब्जी खाने से मधुमेह के रोगियों को बहुत फायदा होता है, उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और वे लोग भी मधुमेह की तकलीफ से बचे रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इससे फायदे ले सकते हो और अपने सेहत में सुधार कर सकते हो और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हो। तो दोस्तों इस पोई का इस्तेमाल कीजिए भरपूर। इससे जो RBC होता है, रेड ब्लड सर्कुलर जिसको बोला जाता है, तो उसकी भी मात्रा में बढ़ोतरी होती है और आपके शरीर में एक नए रक्त की निर्माण होता है और रक्त संचार तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों जिससे घुटनों में चिकनाहट भी पैदा हो जाती है जॉइंट में, और आपको घुटनों का दर्द भी नहीं होता। तो पोई का इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो, इसलिए आप पोई का लगातार इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल में जुड़ जाइए इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी देखने सुनने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं चलता हूँ, किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।